नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपने चैनल द सुगम पर। आपने अभी तक द सुगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट खबरें मिलती रहेगी। जी हाँ मित्रों, मैं आज बात करने वाला हूँ जो कल नतीजे आने वाले हैं उनसे। मैं 12 घंटे पहले आपके सामने जो सुनहरी सट्टा बाजार लेकर आया हूँ, शायद ये सट्टा बाजार आपको बहुत पसंद आएगा। मित्रों, अगर आपको ये सट्टा बाजार पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मित्रों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें मिलती रहेगी। मैं आपके लिए हमेशा अच्छी से अच्छी खबरें लाता रहूँगा। आज मैं राजस्थान की 25 सीटों पर सुनहरी सर्वे करने वाला हूँ। शायद ये सर्वे जो नतीजे के जैसा ही रहेगा, जो 23 मई के नतीजे होंगे वैसे ही सुनहरी सट्टे बाजार ये सही होगा। लगभग फलोदी के सट्टे बाजार का मानना है कि 18 से 23 सीटें मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, और कांग्रेस को मिलने वाली सीटों का अनुमान 3 से 5 लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चूरू सीट के, तो यहाँ पर राहुल कांसवान और रफीक मंडेलिया के बीच में मुकाबला तेज बताया जा रहा है। तो हम बात कर लेते हैं नतीजों से 12 घंटे पहले। तो ये चुनावी सर्वे का हाल है, यहाँ पर राहुल कांसवान जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो हम बात कर लेते हैं बीकानेर की, यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल और मदन गोपाल मेघवाल के बीच में कड़ा से कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मोदी के करीबी माने जाते अर्जुन राम मेघवाल बाजी लगाते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं गंगानगर सीट की, यहाँ पर निहाल सिंह चौहान और भरतराम मेघवाल के बीच में तेज मुकाबला बताया जा रहा है। जो फलोदी के सट्टा बाजार हमारे सामने आया है उनका ये मानना है कि गंगानगर से निहाल सिंह चौहान बाजी लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे झालावाड़ 12 सीट की, ये सीट दुष्यंत सिंह के हाथ में है और यहाँ पर दुष्यंत सिंह की सरकार बनने वाली है क्योंकि ये सीट बीजेपी के गढ़ मानी जाती है। मित्रों, हम बात करने वाले हैं दौसा सीट की, यहाँ पर जसकोर मीणा और सविता मीणा के बीच में कड़ी टक्कर है, लेकिन दौसा से जसकोर मीणा बाजी लगाते हुए दिख रहे हैं जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मित्रों, हम बात करने वाले हैं नागौर, यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल सीधे संसद में पहुँचने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, इनके सामने ज्योति मिर्धा का मुकाबला है, लेकिन इतना तेज मुकाबला नहीं है कि हनुमान बेनीवाल संसद तक ही नहीं पहुँच पाए। अब हम बात कर लेते हैं करौली धौलपुर सीट, ये सीट कांग्रेस के लिए खाते में जा रही है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम संजय कुमार जाटव और उनके सामने मनोज राजौरिया। जो चुनावी समीकरण है और सट्टे बाजारों का मानना है कि यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी सीधे संसद में पहुंचने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं भरतपुर सीट की, यहाँ पर रंजीता कोहली और अभिजीत कुमार जाटव के बीच में मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन यहाँ से जो रंजीता कोहली है वो बाजी लगाते हुए दिख रहे हैं। मित्रों, हम बात करने वाले हैं अलवर की, यहाँ पर बालकनाथ और जितेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला है। हमारे जो कमेंट आए हैं उनमें बालकनाथ के कमेंट ज़्यादा हैं, लेकिन आप ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं जो चुनावी नतीजे आने वाले हैं उनसे 12 घंटे पहले क्या हाल है। तो यहाँ पर जितेंद्र सिंह बाजी लगाते हुए दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेंगे जयपुर सीट की, यहाँ पर रामचंद्र बोरा और ज्योति खंडेलवाल के बीच में मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन सटे बाजार की बात माने तो यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी बाजी लगाता हुआ दिख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जयपुर ग्रामीण की, यहाँ पर दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। भाजपा ने भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खड़ा किया है, वहीं उनके सामने कांग्रेस ने कृष्णा पूनिया को खड़ा किया है। यहाँ पर भाजपा की सरकार बनने वाली है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब नतीजों का इंतजार तो सभी को रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सीकर सीट की, यहाँ पर सीकर में शोभेंद्रानंद सरस्वती और सुभाष मैरिया के बीच में तेज मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने की पूरी संभावना रह रही है। वहीं कांग्रेस को भी लग रहा है कि यहाँ पर सुभाष मैरिया बाजी लगा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं झुंझुनू सीट की, यहाँ पर नरेंद्र खींसल और जरवण कुमार के बीच में तेज मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए खाते में जा रही है। अब हम बात करेंगे कोटा सीट की, तो यहाँ पर ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ओम बिरला ये सीट सफलता हासिल कर सकते हैं। और अब हम मित्रों बात करने वाले हैं भीलवाड़ा सीट की, यहाँ पर सुभाष चंद्र बैरिया और रामपाल शर्मा के बीच में तेज मुकाबला देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई ये सीट दिखाई दे रही है। अब हम बात कर लेते हैं राजसमंद की, यहाँ पर दिया कुमारी और देवीकिनंद गुर्जर के बीच में तेज मुकाबला बताया जा रहा है, लेकिन सटे बाजार की अगर बात माने तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिया कुमारी का नाम सबसे आगे आ रहा है जीत के सेहरे में। अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ सीट की, यहाँ पर सीपी जोशी और गोपाल सिंह इड़वा के लिए कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं सटे बाजार की अगर सही बात मानी जाए तो यहाँ पर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। और मित्रों, हम अब बात करने वाले हैं बांसवाड़ा सीट की, यहाँ पर दोनों प्रत्याशियों के ऐसे नाम हैं जो आपको अटपटे लगेंगे, कनकमल कटारा एवं तारासंत बगोरा, लगे ना अटपटे। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बाजी लगाता हुआ दिख रहा है। जी हाँ मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना है। हम बात करेंगे अब उदयपुर सीट की, तो यहाँ पर अर्जुन लाल मीणा और रघुवीर सिंह मीणा के बीच में मुकाबला है,
यहाँ पर दोनों प्रत्याशी मीणा जाति से हैं, लेकिन सटे बाजार के 12 घंटे पहले आए इस जो सर्वे के मुताबिक हम आपको बता दें कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो मित्रों हम बात करेंगे अब जालौर सीट की, तो यहाँ पर देवजी मानसिंह राम पटेल और रतन देवासी के बीच में तेज मुकाबला है, लेकिन सटे बाजार की अगर बात माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब हम बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट, जहाँ इस सीट पर सबकी नज़रें, चाहे वो किसान हो चाहे वो नेता हो, यहाँ पर कैलाश चौधरी और मानवेंद्र सिंह के बीच में मुकाबला है। कांटे की टक्कर बता रहा था सटा बाजार, लेकिन 12 घंटा पहले आए फलोदी सटे बाजार का मानना है कि यहाँ पर कैलाश चौधरी बाजी लगाएंगे। जी हाँ मित्रों, अब हम बात करेंगे जोधपुर सीट की, तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत और वैभव गहलोत के बीच में मुकाबला तेज है, लेकिन सटे बाजार की बात माने तो यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत की सरकार बनने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं पाली लोकसभा सीट की, यहाँ पर पीपी चौधरी और बद्रीराम जाखड़ के बीच में तेज मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों हम बात करने वाले हैं अजमेर की, तो यहाँ पर भागीरथ चौधरी और रिजु झुनझुनवाला के बीच में कड़ा मुकाबला जाहिर है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं टोंक सवाईमाधोपुर के, तो यहाँ पर सुखवीर सिंह जौनपुरिया और नमो नारायण मीणा के बीच में कड़ा मुकाबला जाहिर लग रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो यहाँ पर बनने जा रही है, और यहाँ पर एक बार फिर से मोदी की लहर सच साबित हो रही है। तो मित्रों आप ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं, आपका कमेंट भगवान के रूप में है, आप अपना कमेंट जो चुनावी सर्वे आ रहा है उससे 12 घंटे पहले आपका कमेंट क्या कहता है, तो आप भी सट्टे बाजार से आगे होंगे। धन्यवाद मित्रों, वीडियो के अंत में आपसे गुजारिश रहेगी मेरे देश के लिए वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत जरूर लिख देना, धन्यवाद। नमस्कार, आपकी खबरें आप तक, आपकी भाषा में, सही और सटीक, आज तक आगे तक।